हाँ तो ये सबसे पहले आप सबको जय श्री राम। अभी ना बात करने वाले हैं गंटूर करम जो मूवी है उसके बारे में। हालांकि जो गंटूर करम मूवी है वो 2021 में अनाउंस हुई थी मार्च में, और इस मूवी को ना मतलब बनाने में इतनी सारी मुश्किलें आई जिससे कि ये जो मूवी है इतना टाइम लग गया इसको बनने में और रिलीज होने में। हालांकि इसकी जो रिलीज डेट थी पहले एक बार एक जो रूमर्स उड़े थे कि 2023 में रिलीज होने वाली है, लेकिन अभी वो फाइनली हो चुका है, जो आपका वेट था वो ओवर। अभी 12 तारीख को गंटू क्रम जो है वो दिखने वाली है सिनेमाघरों में। अब अगर यहाँ पर बात करें तो इसमें पहले पूजा हेगड़े देखने मतलब दिखने वाली थी महेश बाबू के साथ, लेकिन अभी हमको श्रीलीला एक एक्ट्रेस हैं वो देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें गंटूर क्रम के ट्रेलर की तो जो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा हालांकि, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर जैसे कि होता है कि कुछ बहुत ज़्यादा मूवियाँ नहीं होती जो कि अपनी रिलीजिंग से पहले ही अपनी जो कमाई होती है या फिर जो अपना एक बजट होता है उसको मोस्टली रिकवर कर लेती हैं, तो इस मामले में गंटू करम कहीं ना कहीं एक जो अच्छे लेवल पर साबित हुई है। अगर यहाँ पर हम बात करें यूएसए में यह चलने वाली मतलब वैसे तो तेलुगु की बहुत सारी मूवियाँ चली हैं, लेकिन तेलुगु फैब के मुताबिक अगर बात करें तो ये ना एक ऐसी मूवी बन गई है जिसके सबसे ज़्यादा प्रीमियम शो बिके हैं यूएसए के अंदर। इससे पहले जो सबसे ज़्यादा प्रीमियम शो बिके थे वो RRR यानी RRR के बिचे थे, जिसमें हमको देखने को मिले थे भैया सबको पता है कौन कौन मिले थे, जिसको डायरेक्ट किया था संजय लीला, सॉरी SS राजमौली सर ने, संजय लीला भंसाली तो बस ऐसे ही है। तो 12 तारीख को ये मूवी आने वाली है और भी कई सारी मूवियाँ आ रही हैं, तो देखते हैं कौन कितना रंग लाती है और कौन ना कितनी छाप छोड़ती है ऑडियंस के मन पर दिलो दिमाग पर। अभी के लिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।